देखिए आज हमने बनाए पितृपक्ष में ये मालपुए, राजस्थानी मालपुए। देखिए इनके किनारे थोड़े करारे होते हैं और बीच में से देखिए कितने सॉफ्ट होते हैं और बहुत ही हेल्दी। बिल्कुल आटे से बनाए, कोई मैदा सूजी कुछ इस्तेमाल नहीं करा। और ये बनाई खीर, देखिए कितनी शानदार खीर तैयार हुई है, कितनी मलाईदार खीर तैयार हुई है। आज मैंने ये पितृपक्ष में बनाया, आप किसी त्यौहार पे भी बना सकते हैं। बहुत आसान है इस खीर को बनाना और मालपुओं का राजस्थानी। तो चलिए देखते हैं इनको हमने कैसे बनाया, बनाना शुरू करते हैं राजस्थानी मलाईदार खीर और मालपुए। ये चावल को मैंने 2-3 घंटे पहले भिगो दिया। खीर बनाने के लिए वैसे छोटे चावल चाहिए होते हैं लेकिन मेरे पास नहीं थे तो मैं इन्हीं से बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, या तो आप इस तरह से हाथ से तोड़ लें, हमें बिल्कुल बारीक नहीं करने लेकिन छोटा करना है इनको। मैं सारे तोड़ लेती हूँ, अगर इस तरह से नहीं टूट रहे तो मिक्सी में पल्स मोड पे घुमा सकते हैं। लेकिन देखिए भीगे हुए चावल होते हैं तो इस तरह से टूट जाते हैं, बस हल्का सा हाथ से क्रश करेंगे। आप खलबत्ते में भी कर सकते हैं, हल्का सा इनको खलबत्ते में डाल के इस तरह से क्रश कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी होस्ट और दोस्त संगीता, मेरे घर की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे राजस्थानी मालपुए और खीर। ये मैंने रखा कुकर, खीर कम दूध में बहुत ही क्रीमी बनेगी और मालपुए भी हम आटे से बनाएंगे, मैदे से नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया बनेंगे। उसके लिए मैंने ये कुकर में पहले डाला थोड़ा सा घी और जैसे घी गर्म होने लगेगा मैं इसमें डाल दूंगी ये 4-5 बादाम और काजू। इनको मैं अच्छे से फ्राई कर लूँ। खीर में या हलवे में या मिठाई में जिसमें भी डालें, ड्राई फ्रूट्स को अगर हम घी में भून के डालते हैं तो उनका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें अगर आप ड्राई फ्रूट डाल रहे हैं फ्राई करके ही डालें। खुशबू आने लगी, अच्छे से भून गए। साथ ही मैं डाल दूंगी किशमिश, ये भी बहुत जल्दी हो जाती है इसलिए मैंने इनको बाद में डाला। मैं इन सबको निकाल लेती हूँ। देखिए किशमिश भी फूल गई गुब्बारों की तरह, बस ऐसे ही सेक लें और इन्हें निकाल लें। इन्हें निकाल लें। अब इसी घी में मैं ये चावल डाल दूंगी जो हमने क्रश करके रखा है। घी में भुनने से बहुत अच्छा स्वाद आता है। ये देखिए चावल हमारे भुन गए, दिख रहा होगा आपको, खिले खिले हो गए, पहले आपस में चिपके हुए थे। इस तरह से ही भुनना है। इसी स्टेज पे मैं डाल दूंगी इसमें इलायची पाउडर। इलायची पाउडर अभी इसलिए डाल रहे हैं कि चावल में अच्छे से खुशबू आ जाए। और मेरे आधा कटोरी चावल थे तो मैं 2 कटोरी इसमें पानी डालूंगी और कुकर पे मीडियम फ्लेम पे हम 2 विसल देंगे। आप कहेंगे कुकर में खीर बन सकती है, आप देखिए कितनी बढ़िया बनेगी और कम दूध में कितनी क्रीमी बनेगी। तो चलिए इसको अब कुकर का ढक्कन लगा देते हैं, 2 से 3 सीटी ले लेते हैं। और हमारा कुकर का ढक्कन गंदा ना हो उसके लिए सीटी पे थोड़ा सा तेल डाल दें। इससे क्या होगा, जो कुकर में से पानी निकलता है सीटी बजने के बाद वो नहीं निकलेगा। और दाल बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा तेल डाल दीजिए। मैं जैसे मैंने चावल बनाया है तो मैं उसमें पहले मैंने घी डाल दिया। चलिए अब 2 से 3 सीटी ले लेते हैं। कुकर में 2 सीटी आ गई, इसको उतार देते हैं और आगे का काम कर लेते हैं। ये रखा मैंने एक और भगोना, इसमें मैंने डाला थोड़ा सा पानी। इससे होगा क्या कि भाप बन जाएगी तो हमारा दूध नीचे नहीं लगेगा। मैंने भगोना रखा, आप कढ़ाई जो चाहे वो रख सकते हैं। और दूध उबला हुआ ना डालें, क्योंकि अगर उबले हुए दूध को हम मलाई समेत डालते हैं तो खीर में ऊपर घी सा तैरने लगता है जो अच्छा नहीं लगता। मैं आपको ये कहूँगी कि कच्चे दूध से ही खीर बनाएं। इससे होगा क्या, जो दूध का फैट है वो खीर में ही मिल जाएगा, ऊपर से चिकनाई एक्स्ट्रा नहीं तैरेगी। ये मैं ये आधी कटोरी चावल की खीर बना रही हूँ और दूध डाल रही हूँ मैं 1 किलो। मैंने कहा था ना कम दूध में हमारी गाढ़ी रबड़ीदार खीर तैयार होगी, तो बस वही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूध को हम गाढ़ा होने देंगे, उबाल आने तक चलाते रहेंगे। इतने हमारा दूध गाढ़ा होगा इतने हम अपने मालपुओं की तैयारी कर लेते हैं। मालपुए भी बनाने हैं ना हमने, तो उसको भी हमें तैयार करना होगा पहले से। ले लिया मैंने एक बर्तन और ये मेरी आधा कटोरी चीनी है। आप देख सकते हैं चीनी का मेज़रमेंट इसमें बहुत ज़रूरी है और चीनी भी मेरी आधा कटोरी से दिख रहा होगा कम ही है, 1 चम्मच कम से कम। तो मैंने ये चीनी डाल दी। अपने दूध को भी बीच बीच में चलाते रहेंगे, नीचे लगने वैसे हमने
इलाज कर दिया लेकिन फिर भी कोई नुकसान ना हो और उबल के ना निकल जाए, दूसरी तरफ ध्यान हो। अब इसमें मैं डालूंगी एक कटोरी पानी। मेजरमेंट का विशेष ध्यान रखना आपको इसमें, और चीनी को घुलने दें। 2 से 3 मिनट लग सकते हैं आपको चीनी घुलने में, लेकिन कोई बात नहीं, चीनी हमारी घुल गई, थोड़ी बहुत रह गई है। और ये है गेहूं का आटा, आप चाहें मैदे से बना सकते हैं, लेकिन आज मैंने सोचा हेल्दी ही बनाएंगे तो गेहूं के आटे से बना रही हूँ। ये मैंने एक कटोरी लिया और इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसको डालेंगे, बिल्कुल लम्प फ्री बैटर बना लेंगे इसका। ये देखिए हमारे दूध में भी उबाल आने लगा है, तो इसकी तरफ भी ध्यान रखें, दूध उबल रहा है। इसको हम थोड़ा गाढ़ा करेंगे, 20% तक हम इसको जला लेंगे, मतलब इतना गाढ़ा करना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, सिर्फ इतना गाढ़ा करना है। और हमारा ये आटा देखिए चीनी में अच्छे से घुल गया। इस बैटर में चीनी का मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी है, मैंने अपने हिसाब से बनाई, आप इसी मेज़रमेंट को डबल कर सकते हैं, ट्रिपल कर सकते हैं, जैसे आपको बनानी है। अब इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा इलायची पाउडर और 1 चम्मच घी। घी मैंने यही वाला चम्मच डाला है, 1 चम्मच दही। दूध की तरफ भी ध्यान देते रहना है और इसको अच्छे से मिक्स करना। अगर आप लोग लेट आए तो बता रही हूँ, आधा कटोरी चीनी, 1 कटोरी पानी, 1 कटोरी आटा, 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 चम्मच घी, 1 चम्मच दही और 1 चम्मच ही दूध डालेंगे। इसमें कोई हमने मैदा सूजी कुछ नहीं मिलाया, हमारा बैटर तैयार है। अब इसको हम रेस्ट पे रख देते हैं, कम से कम आधा घंटा का रेस्ट देंगे, इतने हमारी खीर तैयार होगी, इतने हमारा बैटर तैयार हो जाएगा, तब हम अपने मालपुए बनाएंगे। दूध हमारा 80% के करीब रह गया और कुछ काफ़ी गाढ़ा हो गया, कलर भी थोड़ा सा बदल गया। अब हम चावल को भी चेक कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था ना घी लगा देंगे तो कुकर का ढक्कन बिल्कुल गंदा नहीं है, वैसे कितना गंदा हो जाता है। स्टीम निकल चुकी, ठंडा हो चुका, चेक कर लेते हैं। और हमारे चावल भी देखिए कितने अच्छे से बन के तैयार, खुशबूदार चावल हैं बहुत ही। अब चाहे तो आप दूध इसमें डाल लीजिए और चाहे तो उस भगोने में डाल लीजिए, लेकिन मैं दूध इसी में डालूंगी। और मैं दूध को कुकर में ही डाल रही हूँ, आप चाहें तो भगोने में भी बना सकते हैं इसी में, पर मैंने कुकर में घी था, चावल बनाए थे हमने, तो मैंने कहा इसी में बना लेते हैं। अब इसको हम पकने देते हैं, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आने तक इसे हम हल्की आंच पर पकने रख देते हैं, जिससे कि हमारी खीर अच्छे से पके। चावल को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, कोई गुठलियाँ हैं, गुठलियाँ बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, हर चावल में दूध का टेस्ट आ जाना चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखें। और अब हम ढक के नहीं पकाएंगे, हल्की आंच पे इसको ऐसे ही पकने देते हैं 3 से 4 मिनट तक। 4 मिनट हुए हैं और हमारी खीर कितनी क्रीमी है, ये देखिए कुकर में भी पूरे में, ये देखिए मावा ही मावा हो गया। और 1 किलो दूध में हमारी इतनी सारी खीर बनेगी, 1 किलो से भी ज़्यादा, चावल का वज़न बढ़ेगा और दूध का वज़न भी बहुत कम नहीं हुआ। अब इसमें बारी आती है चीनी डालने की। चीनी वैसे हम जब खीर ठंडी हो जाती है तभी डालते हैं, गर्म खीर में हम चीनी डालेंगे तो हमारी जो चीनी होती है वो पानी छोड़ती है और खीर पतली हो जाती है, तो इसमें चीनी हम बाद में डालेंगे। अब मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगी इतने हम अपने मालपुए बनाएंगे, खीर कितनी गाढ़ी हो गई। ये रखा मैंने पैन, मैंने अभी गैस ऑन नहीं कर दिया फ्लेम को, इसमें मैं डालूंगी 2 चम्मच चीनी और इसको हम इस तरह से फैला देते हैं। और फ्लेम हमें बिल्कुल लो रखनी है, चीनी को हमें हिलाना नहीं है, हल्की आंच पे इसी तरह से पिघलने देना। खीर हमारी लगभग तैयार हो गई है, इसमें लास्ट पॉइंट पे मैं ये हलवाइयों वाला सीक्रेट डाल दूँ, जिससे कि हमारी क्रीम बहुत ही क्रीमी खीर बनेगी। अभी भी आप देख सकते हैं कितनी क्रीमी है, लेकिन और भी ज़्यादा जैसे हलवाइयों की होती है। ये है खाने का सोडा, हम मिल्क मेड बनाते हैं उसमें भी हम लास्ट में डालते हैं ना, उससे एकदम से क्रीमी हो जाता है हमारा मिल्क मेड, वही बात इस खीर के साथ है, एकदम से क्रीमी हो जाएगी। फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ और ये ड्राई फ्रूट भी मैं इसी में डाल देती हूँ। ये देखिए चीनी हमारी हल्की हल्की पिघलने लगी है, बिल्कुल नहीं छेड़ना, इसी तरह से हमें इसे पिघलाना है। इसमें मैंने कोई पानी नहीं डाला, कुछ घी नहीं डाला, कुछ भी नहीं करा, बस ऐसे ही हमें इसे
करना है। हमारी चीनी अच्छे से पिघलने लगी है, इस स्टेज पे ही हम इसे चलाएंगे। और ध्यान रखें, चीनी को हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं होता। जिसमें भी हम डालते हैं वो चीनी का टेस्ट उस चीज़ का ख़राब कर देती है। खीर में डालेंगे तो वो जली जली आएगी, इसलिए इसको हमें बहुत ज़्यादा जलाना नहीं होता। बस मैं फ्लेम को ऑफ कर देती हूँ, इतना ही काफ़ी है। और पैन गरम है तो उसमें हम इसको चलाते रहेंगे, ये और डार्क हो जाएगी। मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया, इसका कलर कितना अच्छा सा गोल्डन आ गया। अब इसमें आप, फ्लेम ऑफ है, पानी डाल सकते हैं या दूध डाल सकते हैं। देखिए बहुत गर्म होता है ना, तो ये कैसे उबल रहा है, पैन की गर्मी से ही ये उबल रहा है। और आपको चीनी इस समय ऐसे लगेगी, ये देखिए, लेकिन ये अभी सब इस दूध में घुल जाएगी। जैसे जैसे गर्म होगा दूध, ये चीनी पिघलती चली जाएगी। और कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया सा आ रहा है। खीर को आप देख सकते हैं कितनी शानदार तैयार हुई। इस स्टेज पे मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी केसर की पत्तियाँ। आप चाहें तो इसमें केसर की जगह गुलाब जल डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। हम इसे गर्म दूध में भिगो के भी डाल सकते थे, लेकिन खीर तो हमारी गर्म है, तो इसमें ही ये बढ़िया सा कलर और टेस्ट दोनों दे देगा। और साथ ही हम ये डाल देंगे जो हमने कैरेमल बनाया था। अब हमारी खीर बिल्कुल तैयार है, इसको ढक के रख देते हैं और अपने मालपुओ की तैयारी करते हैं। बैटर को चेक कर लें, देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी है, ये देखिए। बस ऐसे ही चाहिए हमें। दूसरी साइड मैंने घी गरम होना रख दिया, घी गरम हो गया, चेक कर लेते हैं। एकदम से उसके ऊपर आ गया, हमें ऐसा ही चाहिए। इस तरह से डालेंगे, फैला के। ये मैं पितृ पक्ष में श्राद्ध के लिए बना रही हूँ। आप जब चाहें किसी भी त्यौहार पे कैसे भी बना सकते हैं। कढ़ाई इसी तरह की थोड़ी चौड़ी हो, जैसे जलेबी की होती है वैसी हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कितना बढ़िया सा हमारा मालपुआ तैयार हुआ। बस इसको थोड़ा सा फैला के ही डालें। अगर आप बीच में एक साथ डाल देंगे तो उससे होगा क्या कि ये जैसे मोटे मोटे गुलगुले बनाते हैं उस तरह का बन जाएगा। और आप जालियाँ देख सकते हैं, मैं आपको पास से दिखाऊंगी, देखिए कितनी जालियाँ हैं इसमें। ऐसे ही जालीदार बनेंगे। मैं एक और, अभी ये सिक जाए मैं आपको एक और बना के दिखाती हूँ। कितना बढ़िया सा सिक गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं और इसका आपको घी अच्छे से दबा के निचोड़िए। मैं घी में बना रही हूँ, आप तेल में भी बना सकते हैं, लेकिन घी में बनाते हैं तो टेस्ट मिठाई का बहुत अच्छा आता है, इसीलिए घी में ही बनाने की कोशिश करें। और मैं फिर से होप आपको मेरी ये खीर मालपुओ की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी ज़रूर करें। और कमेंट्स में बताएं आप इस तरह से बनाते हैं। आपके कमेंट्स की बहुत इंपॉर्टेंस है, मोटिवेशन मिलता है। देखिए कितना अच्छा हमारा बैटर तैयार हुआ है, जो ये इस तरह से फूल रहे हैं। आप इसको इससे पतला भी डाल सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब मैं ये सारे बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। और मैं आपको चेक कराऊँ सॉफ्ट भी, देखिए जाली, देखिए कितनी शानदार जाली है, ऐसे ही होने चाहिए। और देखिए सॉफ्ट भी एकदम से सॉफ्ट हैं, कितने बढ़िया हमारे मालपुए। चलिए मैं सारे बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। चलिए सर्व कर लेते हैं। ये हमारी देखिए कितनी रबड़ीदार खीर है, और बहुत कम दूध में। ये भी नहीं कि बिना दूध के बनाई है, लेकिन जितनी खीर है वो 1 किलो दूध में बनी है। आप देख सकते हैं मेरी ये 3 लीटर का कुकर है और ये भर के बना है, तो आप सोच सकते हैं कि कितने कम दूध में। और ये देखिए मलाई, देखिए रबड़ी इस पर कितनी ज़बरदस्त आ रही है। और साथ ही बनाए हैं ये मालपुए, कितने बढ़िया बने हैं।